कल हमने डिस्कस किया था ओरिएंटेशन में, जिसमें हम पोस्ट बैच की प्लानिंग कर रहे थे। उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि हम किस सीक्वेंस से चलेंगे। हमारा सीक्वेंस में पहले नंबर पे है IS 16, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की और टीचर की प्रेफरेंसेस यही होती हैं कि वो IS 16 से स्टार्ट करें। अच्छा, अब ये टाइमलाइंस हैं और ये वर्किंग डेज हैं, यानी कि क्लास डेज, जिस दिन क्लास होगी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इन क्लास डेज में इन टॉपिक्स को खत्म करें, ताकि हम अपने ये जो टारगेट रखा हुआ है ना यहाँ पे, अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकें। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे इलेबोरेट करता हूँ कि ये जो 8 वर्किंग डेज हैं, हो सकता है इसमें चीजें कंप्लीट ना हो, तो जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी, एक्स्ट्रा चीजों में सिर्फ आ जाएंगे पास पेपर, तो उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेट्स से कि एक टॉपिक में 15 कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने करवा दिए, और उसके 10 पास पेपर थे और 5 पास पेपर मैंने करवा दिए, और मेरा ये टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मैं अपने प्लान को फॉलो करूं, और आपको क्या चाहिए कि यार वो 5 पास पेपर भी मैं डिस्कस करूं। तो उसको मैं डिस्कस करके उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि हम प्लान पे रहें। अदरवाइज क्या होगा, 13 अगस्त तक फिर हम भागते ही रहेंगे, फायदा नहीं होगा। तो जो कंप्लीटनेस है 80%+, सारे कॉन्सेप्ट, सारी लॉजिक्स, हर तरह की एग्जाम्पल, वो हम क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद पास पेपर हैं, पोस्ट रिजल्ट बैच है, इतने ज्यादा पास पेपर हम नहीं कर पाएंगे, बट 70% पास पेपर मैं करवाऊंगा। 30% जो पास पेपर, टाइम के लिमिटेशन को देखते हुए, हो सकता है कि हर टॉपिक में टाइम की लिमिटेशन ना आए, जहां पे आएगी वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये ठीक होगा जी, ये हमारा प्लान था। 16, 20, 40, 23, 36, IFRS 15, फिर फैक्ट्री लेजर, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, IS 1, IS 7। अब ये देखें, ये 16 जुलाई आ गई, ये लंबी ईद की छुट्टियां, याशी का पूरा हफ्ता, ईद हॉलीडेज तक इनशाला हम अपने 10 टॉपिक्स कर चुके होंगे, इनशाला इनशाला, ठीक हो गया। जो के बनते हैं 21 मई है, 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई, 2 महीने में हमारा ये टारगेट है कि हमने 10 टॉपिक। ईद के बाद जब आएंगे तो हमारे 3 टॉपिक बचे पड़े होंगे, और ये मेरी डेडलाइन है कि ये मैं 8 अगस्त तक खत्म करूं। एक टॉपिक होगा, कोशिश करेंगे ये जो हमारे पास ये मार्जिन पीरियड है, इसमें हम उसको कवर करने की कोशिश करें। 8 अगस्त मेरे जहन में है, और मजे की बात आपको बताऊं, सारी प्री रिजल्ट क्लासेस की डेडलाइन भी यही है, 8 अगस्त, ठीक है। बट ये है कि पोस्ट रिजल्ट है, एक टॉपिक का वेरिएशन मुझे लगता है, जो मैंने कल भी ये बनाया, तो वो शायद आगे चला जाए। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ये हमारा प्लान था। पहला दिन है, थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ते हैं, 16। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा 16 का बता दूं है क्या, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सबने 16? किस किस ने? अली भाई, हमाद भाई, सर पढ़ा हुआ है। ओके, गुड हो गया। हमारे भी आप बता दें, ये कोशिश यही करनी कि माइक से करना है, ताकि मतलब 100% हमने इंटरेक्टिव रहना है। मेरी क्लास में ऐसा नहीं है कि यार आप सवाल ना करो, आपने जब तक अपने चीज को क्लियर नहीं करना, मुझे आगे नहीं जाने देना, ठीक है जी, राइट। अच्छा, अब आइए 16 के, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, जो ICAP हमें कहता है, उसमें सिर्फ दो चीजें, रिवैल्यूएशन डिस्क्लोजर, जिसको हम कहते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर या स्केड्यूल या नोट कह लें, ठीक है। तो हम, आवाज नहीं आ रही आपको अली भाई? आवाज आ रही सबको? हम आवाज भी कह रहे कि आवाज नहीं है, आ रही है? आ रही है सर। ये देखें जी, आवाज आ रही है सबको। आप जरा अपना इंटरनेट चेक कर लें, या थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लें अगर मोबाइल से कनेक्टेड है। अच्छा, ये हमारा सिलेबस है, जस्ट इस पे हमने करना है फोकस। इसके पीछे कुछ बेसिक्स हैं, वो हमें समझनी पड़ेगी हल्की हल्की बस, बट उस पे हमने फोकस नहीं करना, फोकस नहीं करना, हमने रेलेवेंट रहना है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं,
ये जो पिछले 15 पास पेपर्स में से तकरीबन 11 से 12 इन्हीं एरियाज में से, मतलब जो सिलेबस है आईकैप उसी में रहता है। बट इस रिवॉल्यूशन मॉडल के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्केड्यूल बनाने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हम जस्ट बेसिक्स को हल्का हल्का रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि एक दोबारा से मेरे पैटर्न पे, मेरे तरीके में आपके वो बेसिक्स से रिवाइज हो जाए, एक लॉजिक बन जाए, एक पैटर्न बन जाए, फिर हम इनके ऊपर फुल टाइम लगाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा सिलेबस है। क्या क्या सिलेबस है ये हमारा? रिवैल्यूएशन और ये डिस्क्लोजर का नोट। ठीक है जी, अच्छा अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं चीजों को। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमारे स्टैंडर्ड का नाम है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो कहता है कि ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं। ये क्या होते हैं? इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट से क्या मुराद है? कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो। वो मतलब वो हमने कोई साइंस में पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैट्रिक में, हर हर वो मादा चीज जो जगह रखती है, घेरती है, नजर आती है, ऐसा कुछ होता था ना। तो ये बेसिकली टेंजिबल की ना एग्जाम्पल ये है कि हम हमारे सामने पड़ी है, हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ये जो वर्ड है फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट। और हमारे जो पीपीई है वो सारे टेंजिबल होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो कहता है कि हेल्ड फॉर यूज, अगर मैंने इन्हें अपने पास रखा हुआ है तो मैं उसे क्या क्या काम लेता हूं, या मैं उसे प्रोडक्शन में यूज करूंगा, या मैं उसे सप्लाई, सप्लाई किस चीज की, गुड्स या सर्विसेज की, या मैं उसे रेंटल के लिए यूज करूंगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए भी यूज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कॉलेजेस में जाते हो आप, फ्रंट ऑफिस में जाके देखते हो वहां पे एसी लगे हुए हैं। अब एसी क्या कर रहे हैं वहां पे? तो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, एसी इस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर मतलब अगर आप कहें जी ये प्रोडक्शन के लिए तो यूज नहीं हो रहा, सप्लाई के लिए तो यूज नहीं हो रहा, ये तो जी फ्रंट ऑफिस में लगा हुआ है, ये जो जी सिर्फ डायरेक्टर के रूम में लगा हुआ है, इसका क्या काम है? भाई ये भी आता है पीपी की डेफिनेशन में। अगर फ्रंट ऑफिस में बंदे बैठे ना हो, बंदे बैठे और एसी ना लगा हो या ना चल रहा हो, गर्मी हो, वो तो काम ही नहीं करेंगे, काम कैसे होगा? तो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ये आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये एंड है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ये एंड है। एंड उसका जो पीरियड है, उसकी जो टर्म है, वो एक से ज्यादा है। इट मींस ये दोनों होंगे तब कोई एसेट हमारा पीपीई बनेगा, ठीक है, ये दोनों कंडीशंस होंगी तब हमारा कोई एसेट पीपीई में शुमार होगा। अब मैं अगर बताऊं कि इसमें से हमें मिला क्या, ये चीजें मिली, ए एंड बी, विद एंड दो चीजें हैं, दो कंडीशंस हैं, एंड के साथ मतलब दोनों होंगी, यानी कि ये तो होगी कि उसकी जो लाइफ है, उसकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा है, उसकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा है, इसमें से कोई एक चीज के लिए वो यूज हो सकता है, या वो प्रोडक्शन के लिए यूज होगा। प्रोडक्शन से क्या मुराद है? जी हम एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बैठे हैं, वहां पे शूज बन रहे हैं, ये प्रोडक्शन है, ठीक है जी, दही बन रही है, ठीक है जी, इस तरह की चीजें बन रही, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेरे पास एक व्हीकल है, ठीक है, मैं व्हीकल किस लिए यूज करता हूं? अपने जो रिटेलर्स हैं उसको शूज डिलीवर करने के लिए, बड़े बड़े व्हीकल्स में आ गए, कंटेनर्स आ गए, आपके बड़े जो ट्रॉलर्स हैं वो आ गए, ट्रक हो गए, वो आ गए, सप्लाई में आ गए। एडमिन पर्पज मैंने आपको बता दिया, और मैंने गाड़ियां लेकर रखी हुई हैं, मैं इसको रेंट के लिए यूज करता हूं। तो हमें मिला क्या इस डेफिनेशन से? कि भाई उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, नंबर वन, और ऊपर ये 3 पर्पज हैं, इसमें से वो कोई भी एक काम करता हो तो मैं कहूंगा ये मेरा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, टेंजिबल है, और इस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। ये है कि ये पीपी है,
रिकॉर्ड होना है नहीं होना, कब होना है, क्या क्या चीजें उसमें आएंगी, वो अगली बात है। अभी हमने देखा कि पीपी क्या है, अब आपके लेते हैं सवालात अगर कोई कंफ्यूजन। जी अली भाई, अमाद भाई, उमर भाई, क्लियर है? अच्छा, कुछ आपको नोट करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही, अंडरस्टैंडिंग हो रही है? जो मैंने कल ओरिएंटेशन में थीम बताया था कि भाई आपको बड़े खूबसूरत से नोट्स बने हुए मिलेंगे, अच्छी सी प्रेजेंटेशन, शायद मैंने कोशिश तो की है कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपने जस्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, नोट नहीं करना, मतलब नोट करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, क्या ख्याल है? अगर आपने कुछ ऐसी चीजें जो स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है उसकी तस्वीर ले लें, ज्यादा अगर आपको है कि सर ने क्या लिखा था, जस्ट ठीक है जी, ये क्लियर है डेफिनेशन? अब कोई भी चीज अगर पीपीई में फॉल करवानी हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये पीपीई है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मशीनरी, हैवी मशीनरी यूज हो रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं और मैं डैम बना रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लोगों ने फंड दिया, गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया, जी हमारा मोहम्मद डैम और जो दूसरा डैम है दिया मीर भाषा डैम बन रहा है। अब मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेरे पास हैवी मशीनरी है, दैट इज माई पीपीई, दैट इज माई एसेट, मेरे ऑफिस में कंप्यूटर है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास फर्नीचर है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। एक फर्नीचर होता है मूवेबल, एक फर्नीचर होता है जो फिक्स किया होता है, जैसे आपकी अलमारी है दीवारों के साथ फिट हुई हुई है, टेबल्स हैं दीवारों के साथ फिट है, इसको हम फिक्सचर कहते हैं। बिल्डिंग्स, लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में आप एक चीज देखिएगा कि ये दोनों सेपरेबल एसेट होंगे, यानी कि अलग अलग ट्रीट होंगे। लैंड की अनलिमिटेड लाइफ होती है, जिसकी लाइफ अनलिमिटेड हो इसका मतलब उसने कभी खत्म नहीं होना, और हमेशा याद रखिएगा जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होने पे। लेट्स से कि मैं एक कार लेता हूं, उसकी एक लाइफ होगी, यार ये 10 साल के बाद खत्म हो जाएगी, ये इसकी 10 साल लाइफ है, दैट इज लिमिटेड लाइफ। जब जब लिमिटेड लाइफ की बात होगी तो डेप्रिसिएशन होगी, उसको 10 साल है तो हर एक साल में जितना ऐसा बनता है उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो लैंड एंड अनलिमिटेड के साथ होती है, ये कभी फिनिश नहीं होती, तो इसलिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, डेप्रिसिएशन नहीं होगी। पीपीई में वो आएगा, पीपीई के आगे उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है वो नहीं होगी। बिल्डिंग की एक लिमिटेड लाइफ है, अब जब लिमिटेड लाइफ की बात होगी तो भाई उसकी लाइफ की एक फिगर आएगी और वो डेप्रिशिएट हो। शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ऑफिस इक्विपमेंट है। जी ये कुछ हमने पढ़ा पीपीई की डेफिनेशन। इन एग्जांपल में भी प्रॉब्लम है जी, इंटरेक्टिव सेशन का भरपूर फायदा उठाना है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो मेरी क्लास में, आपने मुझे आगे नहीं जाने, जब तक, क्योंकि मैं इस क्लास का पर्पस ये समझता हूं कि जब आप इस क्लास से उठ के जाओ तो आपको इसमें से कुछ समझने के लिए कुछ ना रहता हो, कुछ पेंडिंग ना हो, लॉजिक क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, 100% अंडरस्टैंडिंग। अगर उसके बाद कोई सवाल करने वाला तो डायरेक्ट वो सवाल करे। क्लास में हमने जितना टाइम लगाना है उसमें हमने जस्ट यही फोकस करना है कि 100% क्लियर हो। यहां तक क्लियर है जी? इन एग्जाम्पल्स में से कुछ अगर कंफ्यूजन है तो पूछे। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अली भाई, अमाद भाई, उमर भाई, एहसन भाई, चले आगे, फिर गो एट, अगर सवाल नहीं होता तो गो एट दिया करें, चले गुड हो गया, टाइप करके दे दिया, ओके। अच्छा, अब आगे कुछ ना इंपॉर्टेंट नोट है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट नोट में, क्या कहते हैं जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हम कह रहे हैं इसको नॉर्मली हम कहते हैं कि दीज आर फिक्स एसेट्स। तो हम जनरली बात क्या कर रहे हो कि ये हमारा फिक्स एसेट्स है, ऐसे ही है ना, हमने इसी का नाम सुना हुआ है फिक्स एसेट्स वाला जी, I-16, ठीक है। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो फिजिकली अवेलेबल कर रहा होता है, इसको कंपनी ऐसे नहीं कि फौरन से खत्म करता, लिक्विडेट कर ले, इतना आसान नहीं होता, इतना ईजी नहीं। अच्छा, अब दूसरे में देखें, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। अब लॉन्ग टर्म एसेट का क्या मतलब है कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो इसके बगैर मेरा चलना मुश्किल है, दीज आर वाइटल टू माई बिजनेस ऑपरेशन। अब अगर मेरे पास बहुत हैवी
फिक्स एसेट्स हैं, बहुत महंगे फिक्स एसेट हैं, उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, सप्लाई में मुझे बहुत हेल्प करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वो बहुत कमाल है। इसका मतलब है कि मेरी कंपनी की हेल्थ बहुत जबरदस्त है। अगर मैंने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट रखे हुए हैं जो 10 15 20 साल 30 साल तक चलेंगे, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, मैंने इंपोर्ट करवाए हुए हैं, पास से मंगवाए हैं, जदीद मशीनरी है, इसका मतलब मेरी कंपनी की कंडीशन बहुत अच्छी है। ठीक है, अब अगर मैं परचेज करता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका मतलब है अपने बिजनेस को मैं बहुत लंबे टाइम के लिए चलता हुआ देख रहा हूं और मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे काफी सारे प्रॉफिट्स आने वाले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, जब मैं फर्म में हूं, एक क्लाइंट कर रहा था, वहां पे क्या था, आटा, आटा को हम लिखते हैं उर्दू में। अब आटे के लिए जो गंदम हम यूज करते हैं उसके ना डिफरेंट प्लांट्स हैं, इसके ऊपर ना काफी सारी लेबर लगती थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी वो लेटेस्ट करोड़ों की एक मशीनरी मंगवा रहे हैं, इन प्रोसेस चाइना से आ रही है, टोटली ऑटोमेटेड, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अराउंड 98% इज नॉट रिक्वायर्ड। और मजे की बात, उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट 99.9%। आपने दाने उसमें इंसर्ट करने हैं, डालने हैं, उसमें पुट करने हैं, जो भी कह लें, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट, लेट्स से उसमें से 6 प्रोडक्ट्स निकलती हैं, 6 की 6 प्रोडक्ट 99.9% रिफाइंड, अलग अलग। मजे की बात, कम टाइम और कम ह्यूमन इंटरवेंशन, कम लेबर उस पर लगती। तो जब इस कंपनी इस तरह के इक्विपमेंट्स लेती है, इसका मतलब है कि भाई वो लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चलाएगी, बहुत अच्छे अच्छे उसे प्रॉफिट्स आने वाले, ये सिग्नल है। और जिस जिस स्टैंडर्ड में जहां जहां पे कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, 7-1 साल मैं फॉर्म में रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, जैसे इस जगह के ऊपर वो फिट हुई एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दी, प्रैक्टिकली भी हम चीजों को देखेंगे, एग्जाम्पल्स को मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकली आपको बताऊं। जी, वी आर डन विद पीपीई डेफिनेशन। अगर अभी भी आपको डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दे, मेरे ख्याल में जितना हमने इसको खोल के एक्सप्लेन कर लिया है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, तो गुड है। चल, थैंक यू, आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है, मेरे फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं कोई एक्सपेंस करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए किस चीज को मैंने इसकी कॉस्ट का पार्ट बनाना है और किस चीज को मैंने एक्सपेंस करना है। जब मुझे पता लगे कि पीपी क्या होता है तो मुझे उसके ऊपर लगने वाले खर्चों का भी पता होना चाहिए, ताकि मैं ये देख सकूं कि मैंने किसे कॉस्ट का पार्ट बनाना है और किसको एक्सपेंस आउट करना है। क्योंकि कॉस्ट का पार्ट बनाने के लिए मुझे ये कॉस्ट किन चीजों से मिलकर बनती है, मुझे इसमें ऐड करना है, ताकि मैं एक फाइनल फिगर के ऊपर जाऊं और मैं इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकूं। ठीक है जी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। ओके, गुड हो गया, आगे चलते हैं। दो तरह के एक्सपेंसेस मैं करता हूं, कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के। कैपिटल नेचर के, अगर मैं कोई एक फिक्स एसेट खरीदता हूं, इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैंने फिक्स एसेट खरीद लिया, उसकी कॉस्ट को मैं कहूंगा यार ये मैंने कैपिटल नेचर का किया। इसके बाद अगर मेरा कोई भी एक्सपेंस और होता है जिससे मैं उस एसेट को, उस फिक्स एसेट को, उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैं अपनी वर्केबल कंडीशन में ला सकता हूं, यानी कि मेरे पास वो इस तरीके से आ जाए कि मैं उसे यूज कर सकूं, रेडी टू यूज करने के लिए अपनी लोकेशन। अब रेडी टू यूज कैसे होगा, अगर मुझे अपनी फैक्ट्री में चाहिए, जब तक वो मेरे पास आएगा नहीं मैं उसे यूज नहीं कर सकता। अगर जी 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 ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, यही मेरे जहन में है, जुम्मा भी है। मैं दोबारा पढ़ लेता हूं, आपने क्या कहा जी, 1:15 पे क्लोज कर दे, हम ज्यादा टाइम लगा लेंगे। ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब अगर मेरे पास उसके ऊपर कोई इंस्टॉलेशन करनी थी, उसकी कोई असेंबली करनी थी, अगर वो मैं नहीं करवाता मैं यूज नहीं कर सकता। अगर वो मेरी लोकेशन पे, फैक्ट्री लेट्स से मेरी शेखुपुरा में है, मैं शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, अगर मुझे प्लांट वहां पे नहीं मिलता तो मैं उसे यूज नहीं कर सकता।
इस तरह की कंडीशन में लाने के लिए मेरे और भी एक्सपेंसिव लगेंगे, वो भी मैं कहूंगा ये मेरे कैपिटल नेचर। अब आते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू नेचर के क्या है, मेरे डे टू डे ऑपरेशंस के काम करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे मैं कहता हूं रेवेन्यू नेचर। अब मजे की बात, ये वाली बात, इसके बेनिफिट्स 1 साल से ज्यादा के नहीं होते, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इसका बेनिफिट, अगर मैंने मशीनरी मंगवाई है हो सकता है वो 20 साल चले। तो जब कोई एक्सपेंस होगा आपको इन दोनों की नेचर देख के पता लग जाएगा क्या मैंने उसे एक्सपेंस आउट करना है या मैंने उसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, राइट। अब इसको एग्जांपल से जरा क्लियर करते हैं। मैंने एक व्हीकल ली, मैंने कार ली, अगर मैं इसको परचेज करता हूं ये मेरा कैपिटल नेचर का काम। ये देखें इन दो में फॉल करता है। अब इसको चलाने के लिए मेरा फ्यूल लगेगा, ये डे टू डे ऑपरेशन के लिए, ये मेरा रेवेन्यू नेचर का काम। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, मशीनरी, मशीनरी को देख लेते हैं। अगर मैं इसे परचेज करता हूं ये पहले में उसमें फॉल कर गया। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी लगनी है ये मेरा डे टू डे नेचर का काम है, मैं इसे एक्सपेंस आउट कर। दोनों में कोई चीज क्या है, जैसे कैरेज पेड, अब ये दूसरी कैटेगरी में फॉल करती है, ये इन कंडीशंस में अप्लाई होगी उसे वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए, और मुझे उसे अपनी लोकेशन पे लाने के लिए कैरेज पे करना पड़ेगा, ये मेरा कैपिटल नेचर का काम होगा। इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेरा रेवेन्यू नेचर का काम। इस तरह के एक्सपेंसेस को मैंने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, और इस तरह के एक्सपेंसेस को, अरे यार, इस तरह के एक्सपेंसेस को मैंने एक्सपेंस आउट करना है। जी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें कोई भी एम्बिग्युइटी है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर? ओके, सबको क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। माइक का यूज करें ताकि इंटरेक्शन हो, मतलब इन डेमोज ने उधर भी जाना है, यूट्यूब पे पब्लिकली भी अवेलेबल होना है, लोगों ने असेस करना है ये जो इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव करते रहते हैं भी कि नहीं, ठीक है जी। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, मुकाबला सख्त है और हमारे पास वक्त कम है, तो मैं तीसरे नंबर का एरिया खोलता हूँ। अब जब मुझे पता चल गया कि पीपी क्या होता है, नंबर 1, दूसरा मुझे पता चल गया कि कौन से एक्सपेंसेस को मैंने कॉस्ट की पार्ट कॉस्ट का पार्ट बनाना है। अब ये चीजें मैं कहां पे लेकर आऊंगा, रेकग्निशन एंड मेजरमेंट, क्योंकि मुझे ये चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए था रेकग्निशन एंड मेजरमेंट से पहले। अब रेकग्निशन एंड मेजरमेंट क्या होती है, रेकग्निशन है कि मैंने उसे एसेट बनाना है एज पीपीई, अगर वो ये चीजें फुलफिल करे। पीपीई को मैं अब एसेट बना रहा हूं, यानी कि IAS 16 में मैं इसे अकाउंट फॉर करने लगा हूं। पीपीई तो कोई भी चीज हो सकती है, पीपीई तो कोई भी चीज हो सकती है जिसमें हमने वो कंडीशंस पढ़ी कि वो प्रोडक्शन, सप्लाई, रेंटल 1 साल से ज्यादा। अब उसे मैंने IAS 16 में फॉल करवाना है, IAS 16 में डाल के इसकी मैंने अकाउंटिंग करनी है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। तो क्या ये IAS 16 में जाने के काबिल है? IAS 16 ये कहता है अगर वो चीज ये प्रोबेबिलिटी दे कि उसके उससे आपको बेनिफिट्स आएंगे फ्यूचर में, और मैं उसकी कॉस्ट को मैयर कर सकता हूं, अगर ये दो चीजें उस पीपीई में जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी उसके ऊपर ये दो चीजें फुलफिल हो रही हो, मैं इसको एसेट बना लूंगा एज पर IAS 16। इसमें से मुझे मिला गया कि मुझे मेरी कंपनी को बेनिफिट्स होंगे, इसमें से फायदा मिलेगा। जैसे मैं अगर प्रोडक्शन करता हूं, प्रोडक्शन से मुझे यूनिट्स मिलेंगे, यूनिट से मैं सेल करूंगा, सेल से मुझे रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू से मुझे बेनिफिट्स प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनफ्लो है। अब इसकी कॉस्ट जो मैंने परचेज कॉस्ट पे की थी वो, और वर्केबल कंडीशन और लोकेशन पे लाने के लिए जो और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स हुए थे वो, इसको मैं मिला के कॉस्ट बना लूंगा, तो ये मेरे पास ये चीज आ जाएगी। जब पीपीई के ऊपर ये दो चीजें फुलफिल हो रही हूं, मैं इसको एसेट बना लूंगा एज पर IAS 16। अब जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि उसे एसेट बना लूंगा, तो अब मैं उसे मैयर करूंगा, अकाउंटिंग उसकी करूंगा, उसको मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा। अब रिकॉर्ड कैसे करूंगा, सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट, जब मैं एसेट को खरीद रहा हूं, उसे बना रहा हूं, तो मैंने इनिशियली उसे मेजर करना है। इनिशियल मेजर क्या करूंगा, मुझे
इनिशियली तो जस्ट कॉस्ट पता है, एक वो कॉस्ट जो मैंने खरीदा है, एक अदर कॉस्ट जिसको मैं कहता हूं कि कैपिटल नेचर की कॉस्ट है। तो इनिशियल जब मैं उसे मेजर करूंगा तो वो हमेशा कॉस्ट के ऊपर आएगा। अब सबसीक्वेंट मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया, लेट से 10 लाख का एक एसेट बन गया सब कुछ मिला के, ये हो गया इनिशियल। सबसीक्वेंट से क्या मुराद है, अब ये मेरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या उसे मैंने कॉस्ट मॉडल पे रखना है कि हमेशा ये 10 लाख पे ही मेरी बुक्स में नजर आता रहे, या मैंने उसे रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है। अब रिवैल्यूएशन का मतलब है कि हर साल मैं देखूंगा क्या मार्केट में इसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ गई, फेयर वैल्यू इसकी चेंज तो नहीं होगी। हो सकता है कि मार्केट में इक्विपमेंट ये बहुत ज्यादा यूज होने लग जाए और दुनिया से ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट होने लग जाए, एक साल के बाद ये 11 लाख का हो गया। अगर इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है हर साल के एंड पे और मेरा मॉडल है कॉस्ट, तो फिर मैंने उस मार्केट की वैल्यू की टेंशन नहीं लेनी, मैं उसे 10 लाख पे रखूंगा अपनी बुक्स में। अगर मेरा मॉडल है रिवैल्यूएशन और हर साल वो वैल्यू मार्केट में बढ़ रही है, तो मुझे उस वैल्यू पे लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने रिवैल्यू करना है, उस वैल्यू को दोबारा देखना है, दोबारा वैल्यूएशन, उसकी वैल्यूएशन दोबारा करनी है। मेरा अगर मॉडल ही ये हो, अभी दोबारा कैसे वैल्यूएशन करते हैं, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू देखनी है मैंने कि अब मैंने तो साल पहले लिया था 10 लाख का था, अब अगर मैं उसे नो तो ये 11 लाख का मिल रहा है, इट मीन्स मेरी फेयर वैल्यू 11 लाख, दैट इज रिवैल्यूएशन। जी इनिशियल मेजरमेंट के ऊपर बताएं, इनिशियल मेजरमेंट सबसीक्वेंट मेजरमेंट, क्लियर है? बिल्कुल सही, मजा आ रहा है? बिल्कुल जी। अमर भाई कैसा लग रहा है, सही अप्रोच, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं पड़ रही? ठीक है। अच्छा अब एक चीज यहां पे और है इंपॉर्टेंट, कहता है कि मैंने जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया, वो इन्वायरमेंटल रीजंस के लिए भी हो सकता है, सेफ्टी रीजंस के लिए भी हो सकता है। अब इसे डायरेक्ट आपको फायदा, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर किसी मुल्क में ये कानून है, जैसे पाकिस्तान में हमने जी आग को लिखते हैं उर्दू में, आग लग जाती है किसी बिल्डिंग, और इसके ऊपर अगर कोई लॉज है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, फलां फलां चीज आपकी बिल्डिंग में होनी चाहिए, अब इसका मुझे डायरेक्ट कोई फायदा नहीं है, सेफ्टी मेजर्स हैं इनडायरेक्टली मुझे फायदा देंगे। कैसे? अगर कोई इस तरह की चीज है और मेरी मशीनरी पड़ी है एक कमरे में और आग का मैंने पूरा इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, लॉ भी कहता है अब जैसी आग लगी ये इक्विपमेंट्स अलर्ट होंगे, आग फौरन बुझा देंगे, मेरी मशीनरी बच गई। मशीनरी के बाद मेरा जो ह्यूमन कैपिटल है ये सेफ रहेगा, जब ये सेफ रहेगा तो वो मुझे आउटपुट देंगे, मुझे काम करके देंगे। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं आपके एसेट्स में जो डायरेक्टली तो आपको फायदा ना दे रही हो बट आपको इनडायरेक्टली फायदा दे रही हो। अगर मैं किसी ऐसी जगह पे काम करूं और मुझे पता चले कि ये जो बिल्डिंग है ये किसी भी वक्त मेरे ऊपर गिर जाएगी, यार मैं काम कैसे करूंगा? मैं वो जो ये जो बेनिफिट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये कंपनी को मैं कैसे दूंगा जब हर वक्त मुझे ये डर लगा रहेगा? मैं तो वृद्धि करता रहूंगा जी, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ हर वक्त, मैं हर वक्त दुरूद और सलाम पढ़ रहा हूँ कि या अल्लाह मुझे बचा लेना, बिल्डिंग ही ना गिर जाए, क्या बनेगा, आज मैं घर से निकला हूं शाम तक मैं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, तो अब ये सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल रीजन के लिए आपके पास कुछ एसेट्स हो सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली बेनिफिट तो नहीं दे रहे बट इनडायरेक्टली कंपनी को बहुत फायदा। जब मुझे फायदा है, मैं इंप्लॉई हूं वहां पे, मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो बिंदास होकर काम करूंगा। अब जैसे एक पीपी की डेफिनेशन में एक चीज थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए वो चीज यूज होनी है, डायरेक्टली तो वो भी फायदा नहीं दे रही, वो इनडायरेक्टली दे रही है। तो खैर इसके ऊपर स्पेशल नोट है कि डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता बट इनडायरेक्टली वो बहुत बेनिफिट देते हैं। तो अब एक और मैं चीज बता देता हूं, यहां पे एग्जांपल देता हूं, लेट्स से कि आप मरी में जाके एक प्लांट लगाते हैं, ठीक है, अगर वहां पे लॉ है कि आपका वो धुआं या पानी दो चीजें अगर आपके इन्वायरमेंट को खराब करेंगे
तो हम आपकी कंपनी बंद कर देंगे। अब मैंने जो इक्विपमेंट्स लगाने हैं, अगर मैं वो नहीं लगाता तो भाई मेरे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना बंद हो जाएंगे, वो कंपनी तो भाई बंद करवा दे। अब मैं अगर वो इक्विपमेंट लगाता हूँ, इन्वायरमेंट को साफ कर रहे हैं, वो जो मैं पॉल्यूशन फैला रहा हूँ उसको फौरन नहीं, जैसे धुआं निकल रहा है, आगे मैं ऐसे इक्विपमेंट्स लगा देते कि वो धुआं इस तरीके से बाहर जाए कि वो दरख्तों को, जानवरों को, उस इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड ना करे। तो अगर वो मैं नहीं लगाता, मेरी तो कंपनी बंद करवा देंगे लोकल अथॉरिटीज, वहां पे जो गवर्नमेंट के बंदे बैठे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स जब मेरे पास होंगे तो वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही होंगे। तो ये नहीं सोचना कि उस तरीके से मुझे वो बेनिफिट्स नहीं मिले, वो जो डेफिनेशन है ये वाली, तो मैं इसको I-16 में लेकर ना जाऊं, ये है बट इनडायरेक्ट। चल आज का मेरे ख्याल में इतना ही काफी है, जुम्मा भी है, ताकि उस हिसाब से चीजों को हम आगे कल इसको और देख लेंगे। जी तो कैसा रहा हमारा पहला सेशन माशाल्लाह? जी सर अच्छा रहा। जो सेफ्टी प्रोडक्ट्स होंगे डेप्रिशिएट भी करेंगे। यस यार, देखो जब मैं कह रहा हूँ कि वो I-16 वाले एसेट्स हैं, तो जैसे मैं गाड़ी के साथ करूंगा वैसे इनके साथ करूंगा, सब कुछ वैसे होगा। वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा नंबर वन। क्या वो 16 में है? यस वो 16 में है। अब उसको देखना है इनिशियली कॉस्ट पे रखना है, क्या सबसीक्वेंट मॉडल कॉस्ट है या फिर रिवॉल्यूशन है, वो सारा वैसे अप्लाई होगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी वैसे होगी। ये 16 ही में फॉल करेगा, यही तो मैं समझा रहा था इतनी देर से, ठीक है। और क्या सवाल है? सेफ्टी मेजर का कोई सवाल था? बाकी क्लियर है सर। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, ठीक है अप्रोच, ऐसे चलें तो आइडियल रहेगा जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलें, खत्म करें फिर अगर कोई सवाल नहीं है तो। जी सर खत्म करते हैं। चलें इंशाल्लाह होती है कल मुलाकात, कल सैटरडे को सेम टाइम पे हम मिलते हैं 12:30, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।